क्षेत्राधिकारी बिल्हौर और उनके साथ तीन थानों की टीम जो थाने थे चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम यहाँ एक केस के सिलसिले में जो कि श्री राहुल तिवारी वो बगल के ही गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में तीन थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन अभियुक्त है विकास दुबे, जो कि यहाँ के मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A तथा इस पे 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और एक जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा, और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। अभी तक क्या कोई इनकाउंटर हो रहा, पुलिस का कोई मारा गया? लगातार टीमें हमारे इसमें चल रही हैं और हम लोग विभिन्न टीमों का, आपने देखा होगा कि यहाँ के लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं उनको भी इसमें लगा रखा है, और कोई भी अधिकार कोई भी जो अपराधी है वो बचने नहीं पाए। अभी तक कोई मारा गया कोई अपराधी इस तरह के? अभी अभी चीजें कार्रवाई चल रही है, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सर, इसमें पुलिस की कोई चूक नहीं है? कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर था, पुलिस आ गई और पुलिस पे हमला करके इतने लोग मार दिया गया, तो क्या पुलिस तैयारी से नहीं थी? पुलिस, आपने देखा होगा कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी, तो तैयारी पूरी थी, लेकिन इस तरह से वो लोग वेपन से फायर करेंगे ये सोचने की बात है, और आगे हम उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर इसकी भी जांच होगी कि अगर कोई चूक थी तो उसमें भी हम आगे देखेंगे। सवाल ये ना सर, एक सवाल है कि जानकारी थी, ये हिस्ट्री शीटर बाहर कैसे था? जब पूरे प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर काफी किए हैं, आपने की टीम एक्टिव रही, आपके काफी लोग जेल गए हैं, तो इतने दिन से कैसे बाहर था? नहीं, ऐसा नहीं, 2017 में गिरफ्तार हुआ था, एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था, उसके बाद से बेल पे बाहर होगा। वो हिस्ट्री शीट होता है, तो जो लोग हिस्ट्री शीटर भी रहते हैं उनकी भी लगातार वेरिफिकेशन होती रहती है। ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन सर, जैसे तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी यहाँ पर आने वाली है, ये सभी चीजें जांच के लिए देख कर ही है, रिपोर्टर्स जांच के बाद ही कही जा सकती है।